श्रीकाल तुम वेख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी में हाँ नीरू पिछलवा नीट के एग्जाम्स के विचकार पंजाब ने मल्ला मारिया नमिश ने 22 AI रैंक जो लिता तो उन्होंने पेरेंट्स इतने मौजूद ने मानसा तो ने नमिश के नाल गलबात करते क्योंकि दोनों पेरेंट्स टीचर्स ने बहुत वही एक कहें नींव खड़ी करने के पेरेंट्स का रोल रहा है। हाँ जी शुरू तो ही पेरेंट्स टीचर पेरेंट्स पढ़ाई के उत्ते देंगे ने पेरेंट्स ही पहले टीचर मने आते हैं तो मतलब ट्यूशन तो कोई की नहीं दसवीं तक जी पेरेंट्स ने पढ़ाया सारा तो वह उन्होंने काफ़ी साथ रहा दसवीं तक जी। कहते हैं पेरेंट्स के कोल टाइम नहीं होंगे तो दोनों वर्किंग हो जिस तरीके दे नाल नमिश ने तैयारी की है 22 रैंक आया सब तो वही तो दोनों बधाई हो। थैंक यू मैम। अच्छा अजकल वर्किंग कल्चर के विचकार पेरेंट्स ज़्यादातर कहते हैं कि ध्यान नहीं रख पाते हैं सब तो वड्डा यह होंदा कि असी बाहर काम कर रहे थक हार के आए हैं बच्चे ट्यूशन भेज देंगे। नहीं मैम इन्होंने खुद तैयारी की है नमिश ने सानू कदे जरूरत नहीं पई हैगी असी खुद जो आते थे तो यह अपने आप खुद शुरू तो ही बड़ा ब्रिलियंट रहा है इन्हें खुद पढ़ के ज सैल्फ स्टडी के ज़्यादा ये हो रहा है तो सानू जो डाउट्स होंगे सके वो एक्चुअली घंटा दो घंटे शाम को जो टाइम मिलता सेगा तो क्लीयर कर लेंदा सी तो खुद ही मेहनत की बहुत ज़्यादा की है इन्हें शुरू तो लैके अज तक। अच्छा गोल की रहा शुरुआत के दिनों के विचकार जब बच्चे छोटे होंगे उन्होंने यह होंगे कि असं ये बनना वो बनना तो हूँ की लगता है कि उही एम थे मैम। बिल्कुल इन्हें मैं तुम्हें दसना चाहवागा जी इन्हें 8वीं के ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तुम जानते हो गए सारे अपने राष्ट्रपति से उन्होंने जीवनी पढ़ी इन्हें उस तो बाद उन्हें उदो ही डिसाइड कर लिया कि मैं इंजीनियर बनना है तो 8th के डिसाइड किया उस बाद उस गोल के उत्ते अगे चलता रहा अपना फोकस रखे अपने एम के उपर तो पूरी डेडिकेशन मेहनत करके अज इन्हें अचीव हासिल की है। ये बड़ा हैगा कि NRI कल्चर बहुत हैगा बाहर जाना हैगा बच्चों नूं बाहर जाने का बहुत शौक होंदा एक वक्री पहल है क्योंकि चार बच्चे अगर मैं इत्थे गल करां तां चार बच्चे पंजाब तो हैगे हैं तुसीं बच्चों नूं की संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहवागा अपने हिंदुस्तान के पंजाब में बहुत कुछ है तुम इतने रह के मेहनत करो अपने देश की सेवा करो क्योंकि जो इतने IIT वगैरह ज एम्स वगैरह ने उत्थे पढ़ के अपने देश की सेवा करनी चाहिए है तो यदा भी एम इदा यही है कि इतने रह के ही भारत की सेवा करेगी। फिर तुम अगे जाके USA वगैरह तो नहीं तुर जाओगे? नहीं हले तो जी वो बारे नहीं सोचा हले तो यही सोचा सी कि IIT च एडमिशन लगे मतलब देश वास्ते कुछ जो अगर वधिया किया जा सके कोडिंग वगैरह च तो वह ही हले। हाँ जी आदेश हैगा ये बठिंडे तो हैगा सब तो पहले दोनों नु मुबारक हो। धन्यवाद जी। थैंक यू। अच्छा जब आप गल करते हैं पेरेंट्स की है ना बहुत बड़ा एक रोल होंगे रोल मॉडल होंगे मैं हूँ पहले भी यही गल की नमिश के पेरेंट्स के नाल अजकल वर्किंग कल्चर के विचकार कहते हैं कि ज़्यादातर ध्यान नहीं रखा जाता है ये वह पेरेंट्स ने जो शायद सिटी के विचकार रहिंदे तो बठिंडा भी एक वड्डी सिटी हैगी है। हाँ जी हाँ जी हूँ चलो मैं वर्किंग से मदर इन्होंने सारा यदा ख्याल रखा शुरू तो पहली क्लास तो ही लैके मतलब सारी स्टडी का इन्हें जिम से इन्होंने आप कोई जॉब नहीं की थी तो मतलब सारा दिन। हाँ जी हाँ उदा कि पढ़े हो मैं MA BEd MA Punjabi फिर तुम फिर अगर जॉब वगैरह क्यों नहीं की? मैं बस बेटे करके क्योंकि पेरेंट्स तो मैं सानू ये लगता सी भी एक जने नू बच्चे वास्ते होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। अच्छा पूरे दिन के विचार किन्ने मॉक टेस्ट कर लेंगे सी क्योंकि जब आप टॉपर्स की गल करते हैं तुसी ते नवश दोनों ही ने पंजाब तो जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक के विचार मल्ला मारिया है किन्ने क दिन के विचार टेस्ट होंगे ने किन्ने क टेस्ट पास करने? टेस्ट तो जी बस जिम्मे दो ही किए तो पर उन्होंने चैक करना बहुत जरूरी है तो उन्होंने एनालाइज करनी कितने मिसटेक हुई तो की गलतियां कीतियां ताकि नैक्सट टाइम वो फिर तो रिपीट ना हो सके मतलब कि बार बार मॉक टेस्ट देना पैदा। हाँ जी लास्ट टाइम तो होंगे पहला तो बस भी पढ़ाई करके हार्ड वर्किंग स्टडी करनी है कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहो मॉक टेस्ट देना जरूरी नहीं होंगे स्टार्टिंग। अच्छा अजक बच्चे रील्स वगैरह या फिर डांस वगैरह इस वाल बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं पिछले गल की पंजाब बदनाम है कि सारे बच्चे बाहर भजन फिरते हैं कहते इतने नौकरी नहीं हैगी है की संदेश बच्चों देना चाहोगे? नौकरी जिन्ना टाइम हार्ड वर्क करांगे मिल ही जाऊगी हार्ड वर्किंग दा कोई ना कोई फल तो मिलेगा कदे ना कदे। कहते हैं हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इन्हों के नॉर्थ के सर इतने मौजूद ने सर असी गल करना चाहवागे जब आप गल करते हैं बच्चे सिलेक्ट हुए ने साडे चार मुंडे ने तो एक कुड़ी हैगी है कुड़ी मैं लगता घट हैगी है हजे भी पिछे ही है की गल है? नहीं नहीं कुड़ी पीछे नहीं है बिल्कुल कुड़िया बहुत आगे है बस छोटा सा एक इसमें फॉल्ट हमारी माइंड सेट का है हम लोग बहुत बार ये सोचते हैं कि
शायद लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा होगा कि बायोलॉजी ले ले, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि इस बच्ची का नेचुरल नैक ही मैथमेटिक्स में है, तो लड़कियाँ भी अच्छा करती है। और नेशनल लेवल पर अगर बताऊँ मैं आपको तो एलन की एक बच्ची ने ऑल इंडिया रैंक 7 भी गेन किया है, तो ऐसा नहीं है, मतलब लड़कियाँ भी अच्छा कर रही है आपके सामने, क्योंकि अभी हम सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी टॉप परफॉर्मेंस ली है, तो उनमें एक बच्ची सामने बैठी हुई है, अदरवाइज बच्ची और भी है। आप गल कर दें क्योंकि शुरुआत तो पढ़ाई करनी पैंदी है, ऐ नहीं है कि अज तो स्टार्ट किया तो हुणे काम फटाफट खत्म हो गया, किन्ना का चिर मेहनत करनी पैंदी, क्योंकि जब आप मेहनत की गल करते एक बड़ा टाइम टेबल स्केड्यूल बनाना पैंदा, ये स्केड्यूल बच्चों के वास्ते बहुत जरूरी है। बेसिकली किसी भी बड़े एग्ज़ाम के लिए, किसी बड़े काम के लिए, उसमें एग्ज़ाम भी अपने आप ही आ गया, बहुत ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहे और सिस्टमेटाइज रहे। तो यहाँ सबसे एसेंशियल फैक्टर ये है कि आपने आप दिन को कैसे मैनेज करते हैं, आपका वर्किंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं, और इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो टाइम बाउंड शेड्यूल बनाते हैं कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। शेड्यूल टाइम बाउंड होकर टारगेट बाउंड होना चाहिए कि मुझे जो आज के असाइनमेंट्स हैं, मुझे जो आज के टास्क मिले वो मुझे कंप्लीट करना है। और छोटा सा एक टर्म होता है बैकलॉग, वो कभी भी क्रिएट ना हो, इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट जीत आपकी है। अच्छा की कहना चाहोगे, तुसी भी रैंक हासिल किया है, हुण अगे जाके की तैयारियां ने, की करना है? हले हुण तां IIT एडमिशन मिलेगी तो उस जावांगे, उस तो बाद हले 4 साल का कोर्स होकर उस तो बाद प्लेसमेंट की कोशिश करांगे। कितने जाने की कोशिश हैगी? दिल्ली मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग वाली स्ट्रीम जाने की कोशिश रहेगी। मेरी भी दिल्ली मैथमेटिक्स, दिल्ली है। अच्छा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਬਜੈਕਟਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਥ ਦੀ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਇਓ ਕੀ ਤਰਫ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਕੀ ਤਰਫ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੋਡਿੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮੈਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ NRI ਕਲਚਰ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਿਸਕਾ ਜਹਾਂ ਪੇ ਪੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਮਨ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਰਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਰ ਖਬਰ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਫਾਲੋ ਕਰੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਐਕਸ ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਪਰ।